अबे हम जा रहे हैं चिकन बनाने के लिए। फाइनल दोस्तों, प्याज एकदम भून के मेरा रेडी हो चुका है। तो देखिए दोस्तों, अभी मसाला डाल रहे हैं इस पर। दोस्तों ये रहा मेरा चिकन बन के एकदम रेडी हो चुका है। दोस्तों वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग्स वीडियो। तो दोस्तों अबे हम जा रहे हैं चिकन बनाने के लिए, जो कि आज लाए थे हम दो को ही हैं, हम और सुबोध हैं, और एक था उमाका तो चला गया घर। तो चलिए दोस्तों वीडियो पे बने रहें, और चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हम लोग खुद से बनाना पड़ता है दोस्तों, क्योंकि हम लोग लॉज में रहते हैं, इसीलिए यहाँ मम्मी पापा तो है नहीं। घर में जाते हैं तो मम्मी पापा बना के खिलाते हैं, या हम लोग को खुद बनाना पड़ता है, क्योंकि लॉज में सभी जो जो लॉज में रहते हैं पता होगा कि खुद बनाना पड़ता है। तो इसीलिए दोस्तों आज हम अभी बनाएंगे सब्जी चिकन, जो कि लाए थे बाजार से अभी। तो हम लोग दो ही हैं, तो दो को क्या ज़्यादा नहीं लाए थे, तो अभी खाना चढ़ा दिए हैं। खाना लगभग हो ही गया होगा, अभी चढ़ाए थे, तो अभी जाएंगे। जो बर्तन धोया हुआ नहीं है सब्जी बनाने वाला, उसको अभी धोएंगे, फिर देखते हैं बनाएंगे अभी कैसा बनता है, कैसा बन पाता है, क्योंकि हम उतना सब्जी बनाने नहीं आता है हमको। जैसा भी आता है, जैसा आता है वैसे बनाते हैं। तो आप वीडियो पे बने रहे, आप लोग को दिखाएंगे कैसा मेरा बनेगा चिकन आज का। तो खाना को देख लेते हैं, खाना अभी कितना हुआ है, उसके बाद बर्तन सब धो लेंगे। लगभग हो ही गया, पानी सूखा हुआ नहीं है, नहीं हुआ खाना अभी, लगेगा कुछ देरी, 5-10 मिनट हो जाएगा। ये सब बर्तन धोया हुआ नहीं है, इसको अभी कढ़ाई को धोएंगे, चिकन इसमें बनाएंगे। तो चलिए ये सबको धो लेते हैं, वीडियो में बने रहे हैं दोस्तों। खाना दोस्तों देख सकते हैं, जो बर्तन धो रहे हैं, इसके लिए चिकन चढ़ाना है जो बर्तन में, इसको अच्छा से धो लेते हैं, क्योंकि तभी दोपहर में बनाए थे खाना, तो उससे गंदा था, उसको धोए नहीं थे उस टाइम दोपहर में। सकते हैं तेल दे रहे हैं इसमें कढ़ाई पे, तो इतना सारा दे दिए हैं। अब तेल को गर्म होने दे लेते हैं, फिर उसके बाद प्याज को भूनना है। ये रहा हमारा प्याज, इसको काट के पूरा रेडी कर दिए हैं। अब इसको तेल को गर्म होने दे लेते हैं थोड़ा देर, उसके बाद इसको प्याज को भूनेंगे। तो फाइनल दोस्तों तेल मेरा गर्म हो चुका है, अब इसमें प्याज मिर्चा और लहसुन को डाल दिए हैं, और इसको अच्छी तरह से भूनना है। बहुत ज़्यादा गर्म हो गया लगता है मेरा तेल, तो लहसुन भून लेते हैं। भून के मेरा रेडी हो चुका है, अब चिकन को इसको देते हैं। ये रहा हमारा चिकन, दो को ही है इसलिए ज़्यादा नहीं लाए हैं, तीन को ऐसे ज़्यादा लाते हैं, दोनों को कितना खाएंगे इसलिए कम लाए हैं। थोड़ा इसको भूनते हैं, नमक दे देते हैं इसे, उसको नमक देने के बाद थोड़ा ढक देंगे भूनने के लिए, उसके बाद मसाला डालेंगे, क्योंकि अभी मसाला नहीं डालेंगे। तो उसको इसको भूनते हैं, इसको थोड़ा ढक लेते हैं खाने से, अभी भी नहीं रहा, बड़ा हो जा रहा है, इसी से तो मेहनत करना पड़ेगा। दोस्तों चिकन एकदम भून के रेडी हो चुका है, उसको ढक दिए थे पूरा सीजने के लिए, तो अभी इस पर मसाला डालेंगे। तो देखिए दोस्तों अभी मसाला डाल रहे हैं इस पर, दे रहे हैं थोड़ा थोड़ा, क्योंकि ज़्यादा ना हो जाए इसीलिए। पानी देते हैं थोड़ा सा, इसके ऊपर ढक देते हैं, देख ढक दिए हैं, अब देखते हैं कितना देर में सूखता है पानी। तो ढक देते हैं अभी,
अपने आप सूख जाएगा ऑटोमेटिक, 5-10 मिनट में लगभग हो ही जाएगा। दोस्तों ये रहा मेरा चिकन बन के एकदम रेडी हो चुका है, देख सकते हैं कितना गाढ़ा ग्रेवी भी बना है। तो इसको अभी टेस्ट करेंगे, तो ठंडा होने दे लेते हैं, उसके बाद टेस्ट करेंगे कि कैसा बना है, कैसा बना पाए हैं, क्योंकि सब्जी बनाना हमसे तो होता ही नहीं है, फिर भी जैसा तैसा बना ही लेते हैं। कभी नमक ज़्यादा हो जाता है, कभी मसाला ज़्यादा हो जाता है, कभी हल्दी ज़्यादा हो जाता है, लेकिन आज हमको तो लग रहा है कि ठीक है बना है, क्योंकि कुछ दिन बना है तो आदत हो गया। देखते हैं, इसको टेस्ट करेंगे, अभी थोड़ा सा ठंडा होने दे लेते हैं, चिकन कैसा बना मेरा। तो दोस्तों अगर नहीं आता हमको बनाने तो बताइएगा कैसा बनाते हैं आप लोग, उसी हिसाब से हम भी अब और कभी बनाएंगे तो वैसे ही बनाएंगे, क्योंकि लड़का लोग का पता ही है बहुत मुश्किल होता है खाना बनाने में। ये तो खाना बनाने का मन नहीं करता, लेकिन क्या ही कर सकते हैं, यहाँ तो बनाना ही पड़ेगा खुद से, कोई है नहीं कि बना देगा, खुद से बनाना पड़ता है, बैचलर लाइफ का यही तो ही है। तो चलिए दोस्तों वीडियो बने रहें, टेस्ट करते हैं, फिर बताते हैं आप लोग को कैसा बना है चिकन मेरा। तो अभी टेस्ट किए चिकन को, खा लिए हैं, बहुत ही अच्छा बना था, पता नहीं था कि मतलब नहीं लगा था कि इतना अच्छा आज बना पाएंगे, लेकिन फिर भी सुबोध भी बताया कि अच्छा ही लगा खाने में, टेस्टी था बहुत ही ज़्यादा, थोड़ा सा बस नमक ज़्यादा हो गया था कि चिकन कम था और नमक पर ज़्यादा दे दिए थे, इसी कारण से थोड़ा, फिर भी अच्छा ही लगा बोला सुबोध। और बताइएगा कैसा, मतलब कि हमको तो आता नहीं कुकिंग उतना, इसीलिए फिर भी जैसा तैसा बनाओ कि बनाएं। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और जो चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, और मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहें दोस्तों, ताकि मैं इसी तरह आप लोग के लिए वीडियो लाता रहूँगा। तो चलिए दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय दोस्तों, टेक केयर।